हेलो फ्रेंड्स uh, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स और ये सभी बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बेस पर इस समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बैंकिंग और एस एग्ज़ाम्स में तो चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को uh, देखिए दो वर्ड्स का ये पेयर है पावर और पोर इसको हम बोलते हैं और किस तरीके से इन दोनों वर्ड्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये इसमें हम डिस्कस करेंगे देखिए पावर का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को किसी एक चीज़ से दूसरे दूसरी, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना करना या जिसको हम बोलते हैं उड़ेलना ठीक है जैसे जग में पानी है और पानी जग में से जो पानी है उसको एक ग्लास में आप करना चाहते हैं तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज़ होगा पावर ठीक है और इस पोर के कई मीनिंग हैं इस पोर का तो एक नाउन का जो मीनिंग है वो ये है कि एक टाइनी ओपनिंग जो होती है जैसे स्किन पर पोर्स होते हैं उस सेंस में भी इसको हम यूज़ करते हैं और पोर थ्रू एक वर्ड होता है पोर थ्रू या पोर ओवर जिसका मतलब होता है रीडिंग करना या किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना ठीक है तो इसका मतलब है उड़ेलना पावर और इसका मतलब है रीड uh, करना या फोकस के साथ पढ़ना तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऑल दो द वर्ड्स पावर एंड पोर साउंड सिमिलर दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स

उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं वाटर पाउड आउट ऑफ द होल इन द बकेट तो ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है अब हम आगे देखते हैं ही पाउड सुगर इन टू द कॉफी ठीक है तो ये भी एक अच्छा सही सेंटेंस है तो इस तरह के सेंटेंसेस बैंकिंग और एस एस सी एग्जाम पूछे जाते हैं जिसमें आपको सही वर्ड चुनना होता है कहाँ पर सही वर्ड यूज हुआ है और इस तरह के सेंटेंसेस इस समय कॉमनली बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इट इज़ ऑल्सो यूज फेगरेटिवली फॉर थिंग्स लाइक मनी एफर्ट्स और इमोशंस किसी चीज़ को यदि आप मूवमेंट के सेंस में यूज़ करते हैं तो मनी एफर्ट और इमोशन्स के सेंस में भी इसको यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं दे पावर दे आर लाइफ सेविंग्स इन टू द कंपनी इन द होप्स इट वुड एवेंचुअली टर्न आर प्रॉफिट मतलब उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग को एक कंपनी में उड़ेल दिया या कंपनी में लगा दिया इस उम्मीद से कि इस, इसका एक ये एक प्रॉफिट में टर्न हो जाएगा तो ये इस तरीके से भी आप इसको figuratively यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं शी पाउट हर हर heart आउट इन ए टीयरफुल फोन कॉल टू हर मदर मतलब उसने अपना दिल निकाल के रख दिया या दिल को उड़ेल दिया इस तरह इसके से uh, figuratively इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पावर कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप किसी ग्रुप के मूवमेंट के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है पीपल पाउड आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर द मैच वॉज ओवर मैच खत्म होने के बाद पीपल बाहर निकले स्टेडियम से पाउड आउट मतलब एक स्टडी स्ट्रीम में वहाँ से वहाँ से बाहर निकले पीपल समटाइम्स मिस यूज पावर इन सिचुएसन्स वेयर पोर इज करेक्ट ठीक है तो पावर की जगह पोर और पोर की जगह पावर वर्ड को यूज़ नहीं करना है देखिए टू पोर ओवर और थ्रू पोर के साथ पोर ओवर आप लगा सकते हैं और पोर थ्रू आप लगा सकते हैं पोर ओवर और पोर थ्रू इसका क्या मतलब है इट मीन्स टू रीड और फोकस ऑन समथिंग इंटेंटली टू रीड और फोकस ऑन समथिंग इंटेंटली ठीक है पोर ओवर या पोर थ्रू आप बोल सकते हैं पोर ओवर या पोर थ्रू और यहां पर है ये एग्जाम्पल सेंटेंस शी स्पेंट ऑल वीकेंड शी स्पेंट ऑल वीकेंड पोरिंग ओवर हर टेक्स्ट बुक इन प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स ठीक है उसने पूरा वीकेंड गुजार दिया पोरिंग ओवर करने में टेक्स्ट बुक की पोरिंग ओवर करने में एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पोरिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को रीड करना और फोकस के साथ उसको पढ़ना अब यहां पर आप देख सकते हैं एक और सेंटेंस आई पोर्ड ओवर द ओल्ड फोटोग्राफ्स फैसिनेटेड बाई एवरी डिटेल ठीक है पोर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए नाउन मीनिंग अ टाइनी ओपनिंग इन ए सरफेस किसी सरफेस पर जो टाइनी ओपनिंग होती है जैसे स्किन पोर्स होते हैं तो उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर पोर ओवर और पोर थ्रू ये फ्रीजल बर्ब आपको सीखना है इसका मतलब होता है टू रीड और फोकस ऑन समथिंग इंटेंटली एडवर्स और एवर्स ये भी एक कॉमन पेयर है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का एडवर्स का अर्थ होता है हार्मफुल और अनफेवरेबल जैसे हम बोलते हैं एडवर्स कंडीशंस ठीक है तो एडवर्स कंडीशन्स मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस विपरीत परिस्थितियाँ एडवर्स और एवर्स का अर्थ होता है डिसाइक करना या किसी चीज़ के प्रति एक डिसलाइक होना एवर्जन इससे एक नाउन बनता है एवर्जन

एडवर्स मीन अनफेवरेबल और हार्मुल एंड इज़ नॉर्मली यूज ऑफ कंडीशंस कंडीशंस के साथ हम इस एडवर्स वर्ड को यूज़ करते हैं एन इफेक्ट्स रादर दैन पीपल एज इन एडवर्स वेदर कंडीशंस एडवर्स वेदर कंडीशंस मतलब विपरीत मौसम की परिस्थितियाँ और एवर्स का अर्थ होता है डिसलाइक करता किसी को एवर्स ऑन द अदर हैंड इज़ यूज ऑफ पीपल नियरली ऑलवेज विथ टू और मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉग डिसाइक और अपोजिशन टू समिंग आई एम नॉट एबस टू हेल्पिंग आउट मतलब मैं uh, मदद करने के खिलाफ नहीं हूं ठीक है एबर्स टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने वर्ब की आई एन जी फॉर्म का प्रयोग किया है जो कि सही है आगे हम एग्जाम्पल सेंटेंस दिखते हैं अ कॉमन एरर इज टू यूज एडवर्स इंस्टेड ऑफ एवर्स एज एन ही इज नॉट एडवर्स टू मेकिंग अ प्रॉफिट ठीक है तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अल्यूट इल्यूट अल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना इनडायरेक्ट हिंट देना उसको हम बोलते हैं अल्यूट और इल्यूट का मतलब होता है बचकर निकल जाना टू एस्केप फ्रॉम समथिंग ठीक है टू एस्केप फ्रॉम समथिंग इट मींस इल्यूट एंड टू मेंशन समथिंग इनडायरेक्टली मींस अल्यूट तो यहां हम देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन Although when spoken, these two words sound somewhat similar, their meanings are quite different. Allude is to suggest or indirectly call attention to something. Something, for example, she had a way of alluding to Alex, but never saying her name. तो so, allude का मतलब होता है किसी चीज को mention करना indirectly, ठीक है? और इस elude का मतलब होता है escape कर जाना, बच कर निकल जाना। एल्यूड मीन्स टू स्केप फ्राम और टू अवॉइड सम वन और समथिंग ठीक है और यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस द थीफ इल्यूडेड द अथॉरिटीज़ फॉर मंथ्स मतलब उस चोर ने अथॉरिटीज़ को काफ़ी काफ़ी महीनों तक चकमा दिया ठीक है एल्यूडेड मतलब बच के निकलता रहा और द फेलियर टू अचीव और अचेन समथिंग ठीक है किसी चीज़ को यदि आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस सेंस में भी इल्यूड वर्ड का यूज़ करते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आफ्टर थ्री ईयर्स द कप स्टिल इल्यूडेड देम मतलब तीन साल बाद भी आ, कप जो था जो जो टूर्नामेंट में जो कप मिलता है वो उनसे बचकर निकल गया मतलब उसको वो ले नहीं पाया उसको उसको वो हासिल नहीं कर पाया उस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाए और कप उनको इल्यूड करता रहा तो ये इस सेंटेंस का मतलब है हिस्टोरिक historic और हिस्टोरिकल देखिए इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मतलब जो चीज़ें कल हुई हैं कल मतलब जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं कोई भी इवेंट कोई भी पर्सन कोई भी बुक कोई भी घटना कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हुई है ठीक है उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल क्योंकि वो चीज़ कल हुई है यानी पास्ट में हुई है तो पास्ट की कोई भी इवेंट को हम बोलेंगे हिस्टोरिकल ठीक है और हिस्टोरिक का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक तो ये है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अब हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल आर यूज इन स्लाइटली डिफरेंट वेज हिस्टोरिक मीन्स फेमस और इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री हिस्टोरिक स्पीच हो सकती है हिस्टोरिक इंसिडेंट हो सकता है जैसे हम बोल सकते हैं कि पी एम डिलीवर्ड आ हिस्टोरिक स्पीच यस्टरडे हिस्टोरिक मतलब जो फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर में मैंशन के लिए और हिस्ट्री में भी वो इम्पोर्टेंट रहेगी तो उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिक historic. और हिस्टोरिकल का अर्थ होता है जो पास्ट में इवेंट कोई भी हुई है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट इज़ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट ठीक है हिस्टोरिकल एविडेंसेस का मतलब है जो पास्ट से रिलेटेड एविडेंस है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल और कोई भी ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिक नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीपल सिचुएशंस और थिंग्स एग्जिस्टेड इन द पास्ट एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ें हैं कोई भी चीज़ हो थिंग्स हो सिचुएशन हो उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल यानी पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म ऑन द वर्ल्ड इन बूदा सेवरल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कैन बी सीन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मतलब जो पास्ट में बने हैं ठीक है और हिस्टोरिक अर्थ होता है सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किंग गेव द हिस्टोरिक स्पीच द नाइट बिफोर ही वॉज असेसिनेटेड असेसिनेटेड होने से पहले उसने एक हिस्टोरिक स्पीच दी आ फोर्थ हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री मतलब सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट और इसके जो सरोनेम होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट नोटेबल मोमेंटस और फेमस ये जो होंगे ये हिस्टोरिक के सिनोनिम्स होंगे ठीक है अप्रेज और अपराइज अप्रेज़ का अर्थ होता है इवेल्युएशन या असेसमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु का आकलन करना ठीक है उसको उसको इवेल्यूएट करना या उसको असेस करना उसको हम बोलते हैं अप्रेज जैसा कि कंपनीज में यदि आप एक साल काम करते हैं दो साल काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है वहाँ पर आपको देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है तो उसको हम बोलते हैं अप्रेज और इसी से वर्ड बना है अप्रेजल अपराइज का अर्थ होता है इन्फॉर्म करना किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में अपराइज करना और इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं दब अप्रेज एंड अपराइज कैन बी इजीली कन्फ्यूज अप्रेज मीन्स टू असेस और एवेलुएट सम वन और समथिंग किसी व्यक्ति या वस्तु को एवेल्युएट करना या उसका आकलन करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है देर इज नो नीड टू अप्रेस करेंट प्रैक्टिस देर इज ए नीड टू अप्रेज करेंट प्रैक्टिस करंट प्रैक्टिस सही हैं या गलत हैं उनको अप्रेज करने की जरूरत है उनको इवेल्युएट करने की जरूरत है ठीक है तो इस तरीके से यह वर्ड यूज होता है अप्रेज इज ऑल्सो कॉमनली यूज इन रिलेशन टू वैल्यू एज एन ही हैड द स्टाम्प कलेक्शन अप्रेज बाय एन एक्सपर्ट ही हैड द स्टाम्प कलेक्शन अप्रेज बाय एन एक्सपर्ट उसके पास एक स्टाम्प कलेक्शन था और उसका उसने अप्रेज करवाया उसकी उसकी वैल्यू निकलवाई कि इसकी वैल्यू कितनी है ठीक है ऑन द अदर हैंड अपराइज मीन्स इन्फॉर्म सम वन एंड इज़ ऑफन यूज इन द सेंस ऑफ अपराइजिंग सम वन ऑफ समथिंग किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में किसी वस्तु के बारे में इन्फॉर्म करना द पुलिस वर अपराइज ऑफ द सिचुएशन पुलिस को सिचुएशन के बारे में अपराइज़ किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं होर्ड और होर्ड ठीक है होर्ड जैसे आपने सुना होगा होर्डिंग काला बाजारी सामान को कई सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है और बाद में उनको ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं जिसको हम बोलते हैं काला बाजारी तो सपोज शुगर है या कोई भी कोई भी कमोडिटी है आ, उसकी अगर मार्केट में कमी करनी है तो उसको कुछ आ, कुछ जो बिजनेस पीपल होते हैं इकट्ठा कर लेते हैं गोदामों में भर लेते हैं और बाद में उनको ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं होर्ड ठीक है होर्ड का अर्थ होता है इकट्ठा करना होर्ड एच ओ ए आर और इसको हम यूज करते हैं नंबर के सेंस में होर्ड्स ऑफ पीपुल जैसे हम बोलते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं होर्ड एंड होर्ड साउंड द सेम एंड वन इज सम कन्फ्यूज विद अदर हाउ एवर दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स तो यहां पर हम देखते हैं एज ए नाउन होर्ड मीन्स आई स्टॉक पाइल ऑफ समथिंग हिडन अवे फॉर फ्यूचर यूज जैसा कि मैंने अभी बताया था कुछ लोग कुछ सामान को या कमोडिटी को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उसकी कालाबाजारी करते हैं ज़्यादा प्राइसिस पर बेचते हैं जिसको हम कालाबाजारी कहते हैं और होर्डिंग उसको हम बोलते हैं होर्डिंग ठीक है सामान को इकट्ठा करना और आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ होर्ड ऑफ ट्रेजर इन एन इजिप्शियन टॉम मतलब होर्ड ऑफ ट्रेजर्स मतलब ट्रेजर्स का खजाना उसका उसका एक्यूमलेशन उसका स्टॉक तो उस सेंस में हम इस होर्ड को यूज करते हैं होर्ड कैन ऑल्सो भी यूज एज ए वर्ब मीनिंग टू एक्ूमुलेट अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ समथिंग ठीक है होर्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ की बड़ी क्वान्टिटी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फियरिंग अ नेचुरल डिजास्टर ही होर्डेड इनफ कैंड गुड्स एंड बोटल वॉटर टू फिल आ लार्ज शेड मतलब उसको नेचुरल डिजास्टर का डर था इसलिए उसने काफ़ी सारा कैंड गुड्स और बोटल वाटर को इकट्ठा कर लिया था तो ये इस सेंटेंस का मतलब है और यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस द नाउन होर््ड ये वाला जो नाउन है ये वाला ठीक है एच ओ आर डी ई द नाउन होर्ड डिस्क्राइब्स यूजुअली अ निगेटिव सेंस अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एज इन द स्टोर वॉज फिल्ड विद होर्ड्स ऑफ पीपल एच ओ आर डी ई एस होर्ड्स ऑफ पीपल मतलब काफ़ी सारे लोग एच ओ आर डी ई एस और एच ओ ए आर डी का अर्थ होता है इकट्ठा करना होर्डिंग तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एमोरल और इमोरल एमोरल का अर्थ होता है देखिए इमोरल का क्या अर्थ है मॉरल का क्या अर्थ है मॉरल का अर्थ होता है नैतिक जो मोरली करेक्ट है ठीक है जो नीति के हिसाब से सही है उसको हम बोलते हैं मोरल इमोरल जो सही नहीं है जो मोरली इनकरेक्ट है उसको हम बोलते हैं इमोरल और एमोरल एक ऐसा वर्ड है एमोरल का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति एमोरल है तो उसको गलत और सही से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ही इज नॉट कंसर्न अबाउट मॉरेलिटी तो उसको हम बोलते हैं एमोरल और इमोरल होता है अनैतिक जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस ऑल दो दिस साउंड सिमिलर अमोरल इज डिस्टिंक्ट इन मीनिंग फ्रॉम इमोरल वाइल इमोरल मीन्स नॉट कन्फर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी इमोरल का मतलब है कि वो कंफर्म नहीं कर रहा है जो स्टैंडर्ड्स हैं मोरलिटी के जो जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं एज एज ए राइट थिंग ठीक है अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो आप होंगे इमोरल अनैतिक या गलत या समाज के हिसाब से गलत उसको हम बोलेंगे इमोरल और एमोरल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसको कंसर्न ही नहीं है सही और गलत से द काउंसिल जज द फिल्म टू बी इमोरल मतलब काउंसिल ने उस फिल्म को इमोरल जज किया मतलब उस फिल्म को माना कि ये फिल्म जो थी इमोरल थी और ऑप्शीन थी ठीक है एमोरल इम्प्लाइज नॉट कंसर्न विद मोरलिटी यदि मोरलिटी के साथ आप कंसर्न नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एमोरल द क्लाइंट पेज फॉर द एमोरल एक्सपर्टीज ऑफ द लॉयर लॉयर की जो एमोरल एक्सपर्टीज थी मतलब वो कंसर्न नहीं था मॉरलिटी के साथ गलत प्रैक्टिस वो करता था तो इसलिए उसको पेमेंट मिलता था ये इसका मतलब है ठीक है तो इन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है ये पार्ट वन था कन्फ्यूजिंग वर्ड का और इस तरह के वीडियो क्लासेस और भी आपको इस वीडियो कोर्स में मिलेंगे अपना फीडबैक और सजेशंस मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजिए और कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं इनके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे थैंक यू